पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। सिद्धार्थनगर जिले पहुंची सपा की महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने एक बैठक आयोजित की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को जिताने की रणनीति बनाई। प्रदेश की महिलाओं को जागरूक करने और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सपा की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर है। इसी कार्यक्रम के तहत लीलावती कुशवाहा शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जिले पर पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर लीलावती कुशवाहा ने कार्यकर्ता और विशेषकर महिलाओं के साथ बैठक की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक माननीय नेताजी ने पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण दिया है। हमारी पार्टी की मांग है कि हम 50% करेंगे, लेकिन पंचायत चुनाव के तहत अगर आरक्षण होता है तो उसमें हमारी पार्टी समर्थन करेगी। और रही बात, आप पूछिए स्मृति ईरानी से, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि इन लोगों ने, जो लोग इतनी महंगाई किए हैं और महंगाई से त्रस्त हैं, इनसे पूछिए ना कि जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो आप कह रहे थे कि सिलेंडर सस्ता होगा, वो डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, और तो और कड़ुआ तेल 230 रुपया लीटर हो गया। आप बताइए किसके घर ऐसा नहीं है कि जिसके घर कड़ुए तेल के इस्तेमाल नहीं है। और इतना ही नहीं, आप जान रहे हैं कि जो बेटियों के साथ। मीडिया से बात करते हुए लीलावती कुशवाहा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे पूरा देश त्रस्त है। इस दौरान लीलावती ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और आगामी चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी किया। सिद्धार्थनगर से अमर श्रीवास्तव, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।